गाइज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर माउस वाले में आपको भी डबल टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप किसी एप्लीकेशन पे ऐसे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ से जैसे ही हमने गूगल पे खाली रख देते हैं ये ऑटोमेटिकली गूगल ओपन कर देता है, और सर्च पे भी हम जैसे रखते हैं तो ये सर्च वाला भी ऑटोमेटिक कर देता है और कुछ भी सर्च हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, माउस सही से काम नहीं कर रहा, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए है। तो इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग पे। मैं यहाँ से सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको नीचे चले जाना है, नीचे आपको ढूंढ लेना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग सबके फ़ोनों में होती ही है, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एसेसिबिलिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एसेसिबिलिटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने टल्क बैक पे एक बार रखा या ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला गया। तो इस यही प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ भी, तो इसके लिए हमें जाना होगा एसेसिबिलिटी पे। जैसे ही हम आ गए हैं तो आपको नीचे चले जाना है, सबसे लास्ट में एक क्लिक वाइन पॉइंटर स्टॉप का एक ऑप्शन है यहाँ पे, देख सकते हैं लास्ट में लार्जी माउस पॉइंटर के नीचे, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका क्या होगा, ऑन होगा, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं, अब ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप दबाओगे तभी ही ये दबेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मैं लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।